Hello, students. Today we are going to learn a new poem in our English textbooks, My English Book 7. And the poem name is It's a Small World. This is a very popular song and it is translated into many languages. This song is played on a ride. ऑफ़ द सेम टाइटल इन डिज़नीलैंड स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पोएम लिसन केयरफुली इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड अब इसका मतलब हम देखेंगे इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब होता है कि छोटी दुनिया यह जो दुनिया है जो हमें बहुत बड़ी लगती है तो इसे ये जो पोएम के पोएट है रिचर्ड एम शेरमैन एंड रॉबर्ट बी शेरमैन इनको ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है ये बहुत छोटी दुनिया है तो कैसे यह उन्होंने पोएम में बताया है तो हम मेरे हर एक लाइन का अर्थ जान लेंगे इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर अब इसमें लाफ्टर यानी हास्य हंसना लाफ्टर यानी हंसना इस दुनिया में हर कोई हंसता है ऐसा कोई आदमी आपने देखा नहीं कि जिस जो कभी हंसा ही नहीं है या हंसता ही नहीं है इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर इट अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स टीयर्स का मतलब होता है आंसू टीयर का मतलब होता है आंसू इस दुनिया में हर एक आदमी को कोई ना कोई दुख है उसके आँखों में आंसू आते हैं इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ होप्स होप्स यानी आशा हर एक के मन में कुछ कोई ना कोई आशा होती है एंड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स फियर्स यानि भीति भय हर एक आदमी के मन में भय होता है यानी इस दुनिया में जो लोग रहते हैं इन लोगों में ये जो सारी चीज़ें वो समान होती है हर कोई हंसता है हर एक कोई दुखी है उसके आँखों में आंसू आते हैं हर एक के मन में कुछ ना कुछ आशा होती है हर एक के मन में किसी न किसी बात का भय होता है तो इसलिए कभी सोचता है कि ये दुनिया बहुत छोटी है देर सो मच दैट वी शेयर और इस दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें जो हम एक दूसरे को दे सकते शेयर कर सकते शेयर करना यानी बांटना, एक दूसरे को देना हम अपना ज्ञान और बहुत सारी चीज़ें जो हम बांट सकते हैं दैट्स इट्स टाइम वी आर अवेयर और यही जो वक्त है जो हम जागरूक हो होना है हमें यह वक्त है कि हमें जागरूक होना है इसलिए इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल और ये जो वर्ल्ड है ये दुनिया बहुत छोटी है इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड और कितना भी हुआ तो भी ये दुनिया बहुत छोटी है बहुत बहुत छोटी है देर इज़ अ जस्ट वन मून एंड वन गोल्डन सन इस दुनिया में एक ही चाँद है और एक ही सुनहरा ऐसा सूरज है एंड अ स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरी वन और जो स्माइल होती है हास्य होता है ये हास्य यानी हर एक के साथ मित्रता बढ़ाना मित्रता होना ऐसा मतलब है दो द माउंटन्स डिवाइड एंड द ओसिन आर वाइड इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल माउंटेन डिवाइड एंड ओसिन आर वाइड अब पर्वत जो है पर्वत विभाग क्या करता है दो जगहों को बांट देता है ऊंचे ऊंचे पर्वत हमारे दुनिया में है और ओसिन आर वाइड वाइड यानी बड़े विस्तृत ऐसे महासागर है जो बहुत ही बड़े हैं फिर भी ये दुनिया कैसी है स्मॉल है छोटी है इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल और फिर भी ये दुनिया बहुत छोटी है ये दुनिया फिर भी छोटी है ये दुनिया फिर भी छोटी है और इट इज़ अ स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड और ये बहुत ही छोटी छोटी ऐसी दुनिया है वैसे तो दुनिया बहुत बड़ी है ऐसा हम सोचते हैं हमें लगता है लेकिन इस पोएट को इस कवि को ऐसा लगता है कि ये दुनिया कैसे छोटी है? है बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बार बार वही लोग हमें अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं इसलिए उस उन कवि कवि को ऐसा लगता है कि ये दुनिया है छोटी है तो बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी तो इसको आप पढ़ो याद करो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज रहेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप uh, ग्रुप पे भेजूंगी, भेजूंगा, धन्यवाद